नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हर साल 70,000 रुपए तक पा सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है जिसके अंतर्गत सभी लोगों को 70,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन वो 70,000 रुपए आप कैसे पाएंगे, किस तरह से आपको वो 70,000 रुपए मिलेंगे, वो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उसके नियम है, क्या कानून है, क्या कंडीशन है, इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आप में से ही कई लोगों ने हमें कमेंट किया या क्वेश्चन किया और उन्होंने दोबारा ठीक से समझने के लिए हमसे कहा कि हम दोबारा इसको समझाएं, तो इसीलिए हमने दोबारा वीडियो बनाई। लेकिन अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप भी इसको ठीक से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आप इस योजना की सारी बारीकियों को समझ सकें। दोस्तों, ये जो योजना है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर लागू की गई है। भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट खुलवाएंगे उनके लिए ये योजना बनाई है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं तो आप वहां से 70,000 रुपए हर साल ले सकते हैं, यानी आपको मिल सकते हैं 70,000 रुपए। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर अकाउंट खुलवाना है। और वो अकाउंट कैसे खुलवाना है, वो क्या है वो स्कीम, तो इस स्कीम का नाम है MIS स्कीम, जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस के अंदर MIS स्कीम के अंदर आपको अकाउंट खुलवाना है। और अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल अकाउंट है और एक ज्वाइंट अकाउंट है। सिंगल अकाउंट यानी कि आपका खुद का अकाउंट, और ज्वाइंट अकाउंट यानी कि आप किसी के साथ भी मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप कम से कम 1500 रुपए तक भी जमा कर सकते हैं और 4.5 लाख रुपए इसकी लिमिट है। और ज्वाइंट अकाउंट में आप अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इसी जमा राशि के ऊपर आपको यहां से ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज है 7.6% से लेकर 7.7% तक। जी हाँ दोस्तों, दूसरे बैंकों में जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ 6% ब्याज मिलता है सालाना के लिए, और यहां पर लेकिन आपको ब्याज जो मिल रहा है वो 7.6 से लेकर 7.7% तक, जो कि बहुत ज्यादा ब्याज है, वो आपको आपके पैसे पर मिलेगा। अब ये पैसा आप 5 साल तक की अवधि के लिए जमा कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप और ज्यादा टाइम के लिए जमा करना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए उसको आगे भी जमा आगे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो फैसिलिटी मिल जाएगी, एक तो अकाउंट ट्रांसफर, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना नॉमिनी को भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 5 साल से पहला अपना पैसा वापस चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आप एक साल से 3 साल तक के बीच में पैसा वापस लेते हैं तो आपको 2% कटौती करके पैसा वापस दिया जाएगा। और अगर आप 4 से 5 साल के बीच में पैसा वापस लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल की कटौती करके पैसा वापस दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ से 70,000 रुपए हर साल तक आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए भी जमा करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए पर मिलने वाला जो सालाना ब्याज है वो है 7,500 रुपए, जो कि आपको हर महीने बांट कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए 9 लाख रुपए, जो कि हमने आपको बताया जॉइंट अकाउंट में आप लगभग 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, तो 9 लाख रुपए पर आपको हर महीने मिलने वाला ब्याज है 5,800 रुपए। तो 5,800 रुपए अगर आप जोड़ेंगे तो आपके सालाना 70,000 रुपए तक आपके बनते हैं। तो इस तरह से आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के अंदर लगभग 70,000 रुपए हर साल तक आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की MIS की ये स्कीम है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। आप इसके अंदर अकाउंट खुलवाइए और जितना चाहे आप इसके अंदर पैसा जमा कर सकते हैं 9 लाख रुपए तक। तो जो मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में दी, उसी तरह से आप यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।